हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेएस के ट्यूटोरियल सेकंड के अंदर। इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आपने नेक्स्ट जेएस का कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो वो आप कैसे बना सकते हो, क्या प्री रिक्विजिट है जिसके साथ आप अपना नेक्स्ट जेएस का जो प्रोजेक्ट है वो बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट जेएस का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट हूँ। ठीक है, उसके डॉक्स के अंदर हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे आप लोग जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है इसके गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ इन डेप्थ पढ़नी है। ठीक है, वैसे तो हम अपने ट्यूटोरियल के अंदर हर एक चीज़ जो है कवर करेंगे, बट फिर भी अगर किसी को डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी हो, इंटरेस्टेड हो, तो वो यहाँ से रीड कर सकता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेक्चर तो हमारा पूरा हो गया था, तो अभी हम चलते हैं इंस्टॉलेशन पे। तो इसके अंदर ये बोल रहा है कि जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, नोड जेएस का 18 वर्जन जो है वो होना चाहिए आपके पास। ठीक है, बट कोई ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी ही है। ठीक है, 18 का कोई भी वर्जन चलेगा तो यहाँ पे ये सॉर्टेड होगी जी। ठीक है जी, आपके पास मैक ओएस होना चाहिए, या विंडोज़ होना चाहिए, या फिर लिनक्स होना चाहिए। ये इन दोनों में से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एंड अभी चलते हैं कि इसको क्रिएट कैसे किया जाए। तो यहाँ पे इसने कमांड दे रखी है npx, जैसे हम रिएक्ट ऐप क्रिएट करते थे ना, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप ऐसे करके, तो वैसे ही अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट। ठीक है, लेटेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे कि हम, मैं नेक्स्ट का जो वर्जन है वो लेटेस्ट वाला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये मैनुअल जो है वो यहाँ से मिल जाएगा, तो आप इसके अंदर मैनुअल भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी लेटेस्ट के साथ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अपने टर्मिनल के अंदर आ चुका हूँ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने उसी कमांड को क्या किया, पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो अभी देखते हैं, थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा। तो ये पूछ रहा है कि यू वॉन्ट टू प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्टेप, तो हमने बोला येस। तो ये इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बोलता है कि प्रोजेक्ट नेम क्या है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ माई ऐप। तो अभी ये पूछ रहा है कि आप टाइप स्क्रिप्ट को जो है वो चाहते हो इंस्टॉल करना कि नहीं चाहते, तो मैं यहाँ पे अभी के लिए नो कर देता हूँ। अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप येस पे मूव करके एंटर दबा दीजिए। ठीक है, तो अभी ये बोल रहा है ES लिंट जो है वो आपको चाहिए, तो जी हाँ हमें चाहिए। तो ये पूछ रहा है टेलविंड CSS भी जो है वो चाहिए आपको, तो हमें ये भी चाहिए, रिक्वायर्ड है। अभी यहाँ पे ये पूछ रहा है SRC फोल्डर जो है वो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है कि नहीं है, तो अभी के लिए ये ऑप्शनल है। ठीक है, इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बनाना ही, मतलब हमें ज़रूरी है कि बनाना ही बनाना है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, मतलब नो के ऊपर जाके स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसने बोला कि वुड यू लाइक टू यूज़ ऐप राउटिंग, तो अभी इन्होंने खुद रिकमेंड किया है तो ठीक है हम इसको यूज़ कर लेते हैं, बट आगे जाके जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ना ट्यूटोरियल में, तो हमें राउटिंग के बारे में भी मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगा कि ऐप राउटिंग क्या होती है एंड पेज राउटिंग जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला वुड यू लाइक टू कस्टमाइज योर डिफॉल्ट इम्पोर्ट एनालिसिस, तो इसको नो कर देते हैं, खुद ही रिकमेंड कर रहा है। तो मैंने सेम स्टेप फॉलो किए जो इसने मेरे को बोले थे। तो अभी ये कुछ टाइम जो है यहाँ पे कंज्यूम करेगा इंस्टॉल होने के लिए। तो हमारी ऐप क्रिएशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, तो आप यहाँ पे लॉग्स जो है वो भी देख सकते हैं। तो इसने रिएक्ट रिएक्ट डॉम नेक्स्ट जो है वो अपने आप उठा के इंस्टॉल कर दिए, एंड उसके साथ साथ इसने कुछ और डिपेंडेंसीज हैं जो वो भी इंस्टॉल यहाँ पे कर दिए हैं, जो कि हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम प्रोजेक्ट कहाँ है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट किया तो यहाँ पे आप लोगों को दो फोल्डर दिख रहे होंगे, एक न्यू है जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, एक माई ऐप है जो अभी हमने क्रिएट किया है। तो माई ऐप के अंदर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ls किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये फोल्डर स्ट्रक्चर है इसने खुद बना के दिया, हमने जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं क्रिएट किया। ठीक है, तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स हमें पता है कि नोड मॉड्यूल सेम एज इट इज़ वही होते हैं जो हम रिएक्ट ऐप में यूज़ करते थे, कोई भी मॉड्यूल है तो यहाँ पे वो इंस्टॉल होके आ जाएंगे। ठीक है, पैकेज लॉक जो डॉट जेसन है तो ये इसके अंदर है। ठीक है, तो मैं इसको एक बारी कोड पे आपको, मतलब VS कोड पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे VS कोड हमारा ओपन हो चुका है, तो थोड़ा सा कैपिटल कर लेते हैं। तो
यहाँ पे आप लोगों को फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। ESLint हमारा ऑलरेडी यहाँ पे हमने यस बोला था तो आ चुका है, ठीक है। CSS यहाँ पे आ चुकी है, टेलविंड का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ चुका है। अब पैकेज डॉट जेसन के अंदर अभी देख सकते हो आप हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आ चुकी है। तो इसके अंदर सारी डिपेंडेंसी जो अभी हमने इंस्टॉल की थी, जो जैसे जैसे आगे इंस्टॉल करते जाएंगे तो वो यहाँ पे हमें दिखती जाएंगी, राइट। एंड उसके साथ डेव डिपेंडेंसीज जो हैं वो भी यहाँ पे लिस्ट डाउन है। एंड SRC अभी के लिए क्या है, उसके अंदर ऐप है, ठीक है। ऐप के अंदर जो भी लेआउट पेजेस हैं, जो बेसिक ऐप होती है वही है, ठीक है। तो इसको अभी करते हैं रन एंड देखते हैं क्या आउटपुट आता है। NPM एक बारी आई इंस्टॉलेशन है जो वो कर लेते हैं, हालांकि नोड मॉड्यूल ऑलरेडी बने हुए हैं फिर भी सेफ साइड के लिए। NPM रन डेव, तो जैसे ही मैंने NPM रन डेव किया तो यहाँ पे इसने बताया, एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसने डॉट नेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये सारे लॉग्स आ रहे हैं, तो अभी इसको रन करके चेक करते हैं तो क्या आता है। तो मैंने यहाँ पे रन किया लोकल होस्ट 3000, तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, ठीक है, देखते हैं हमारे इधर क्या लॉग आता है। तो ये देखो ये कंपाइल कर रहा है सारे पेजेस को, एंड उसके बाद यहाँ पे अभी हमें दिख रहे हैं। तो ये है हमारी पहली रिएक्ट ऐप जो अभी हमने इंस्टॉल करके चेक की है, ठीक है। तो बड़ी सुंदर लग रही है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो यह है ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें एंड अपना प्यार ऐसे ही बांटते रहें। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, जय श्री राम।